हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं टेक कुशवाहा यूट्यूब चैनल। अगर आपका चैनल हैक हो चुका है या फिर अगर आपका चैनल टर्मिनेट हो चुका है तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से आप अपने चैनल को रिकवर कर सकते हैं। किस तरीके से आपको जीमेल से बात करनी है, कैसे यूट्यूब से आप कॉन्टेक्ट करेंगे और कैसे आपको हाईजेक फॉर्म भरना है, इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में देने वाला हूँ। क्योंकि हाईजेक फॉर्म जब तक आप नहीं भरेंगे आपका प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। और गाइज, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन है, मतलब जीमेल का जो टू स्टेप वेरिफिकेशन होता है, जब किसी भी न्यू डिवाइस में हम अपने जीमेल को लॉगिन करते हैं तो वेरिफिकेशन मांगता है, अलाउ करना होता है, तब उसके बाद से लॉगिन होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ मेरा ऑन था, हालांकि मेरा गूगल का जो ब्लूटूथ वाला जो सिस्टम है वो भी मैंने एनेबल कर रखा था अपने जीमेल में। और गूगल का जो बार कोड होता है, जो गूगल कोड होता है ऑथेंटिकेशन वाला ऐप, उसको भी मैंने अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया था। ये तीनों चीज़ इतने स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी होने के बाद भी चैनल को हैक कर लिया गया, ठीक है। तो क्या कुछ हुआ था मेरे साथ, ये सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। ये किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारा कुछ मैं आपको पर्टिकुलर लाइव दिखाने वाला हूँ, और इसलिए मुझे काफ़ी दिनों के बाद मुझे चैनल पे लाइव आना पड़ा और आपको मैं बता रहा हूँ, ताकि आपको ये मुसीबत कभी आगे ना आए। अगर आ भी जाए तो आप बहुत आसानी से अपने चैनल को रिकवर कर सकते हैं। पूरा हाईजेक फॉर्म में भर के आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, बाकी चीज़ें वीडियो में देखेंगे। ओके, लेट्स गो टू स्क्रीन। तो फ्रेंड्स, ये है आपका चैनल टेक कुशवाहा जो फाइनली रिकवर हो चुका है बिना किसी लॉसेस के साथ और काफी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो चलिए फाइनली हम फोकस करते हैं कैसे इसको रिकवर किया। अब पिछली कहानी बताने से कोई फायदा नहीं, वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। आपको सबसे पहले अपने ट्विटर अकाउंट को ओपन करना है। चैनल वाला जो ईमेल है वो तो ऑलरेडी हैक था, जो कुछ भी हो रहा था, जो हमने ट्विटर पे ईमेल आईडी दी थी उसी ईमेल आईडी के थ्रू हो रहा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूट्यूब अकाउंट्स, इफ यू बिलीव योर चैनल हैज बीन कॉम्प्रोमाइज प्लीज सबमिट दिस फॉर्म। तो हमने इस पे जब क्लिक किया, रिपोर्ट अ पोटेंशियल अकाउंट हाईजैकिंग टू योर सपोर्ट टीम, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको हाईजेक फॉर्म नहीं मिलता है तो आप यहां से भी यूज कर सकते हैं। ये चीजें आपको रखनी है जो मैं आपको यहां पे बताने जा रहा हूं, ठीक है। एक तो चैनल आईडी यहां पे कैसे मिलती है, ये यहां पे देख सकते हैं। जो चैनल यूआरएल होता है आपका, ये जो स्लैश के बाद का जो कुछ भी है, ये आपका चैनल आईडी है। देन यहां पे व्हेन डिड यू क्रिएट योर चैनल, आपने चैनल कब क्रिएट किया था वो डेट आपको लिखनी है। और फिर यहाँ पे प्राइमरी ईमेल एसोसिएट्स विथ योर चैनल, आपके चैनल के साथ कौन सा ईमेल लिंक है। और ध्यान रहे गाइस, सबसे ऊपर यहाँ पे इसी के बेस पे आपसे कांटेक्ट किया जाएगा, और यहाँ पे जो ईमेल आईडी देंगे, योर कांटेक्ट ईमेल एड्रेस, इसी ईमेल पे आपसे बातें स्टार्ट होंगी। जब हाईजेक फॉर्म भरेंगे तो सारा कुछ प्रोसेस इसी से किया जाएगा। आपके चैनल का ईमेल एड्रेस देना है, कैन यू करंटली साइन इन और डू यू हैव एक्सेस यूजिंग द अबव ईमेल एड्रेस, मतलब चैनल वाले आईडी पे आप एक्सेस कर पा रहे हैं। तो मैं तो नहीं कर पा रहा था, तो मैंने यहाँ पे नो किया था। तो फिर यहाँ पे व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू साइन, आपने कब इसको लॉगिन किया था लास्ट टाइम। तो फिर मेरा चैनल 14 तारीख को हुआ था, मैंने 13 तारीख को लॉगिन किया था, तो आप यहाँ पे डेट डाल देंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी बेस्ट डिस्क्राइब द कंटेंट ऑन योर चैनल, मतलब आपके चैनल की कैटेगरी क्या थी, तो आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। मेरा एजुकेशनल था तो मैंने यहाँ पे एजुकेशन चूज किया, आपके चैनल का जो भी होगा कर लेना। और ये टॉपिक्स जो भी मैं आपको बता रहा हूँ गाइज, ये एक एक टॉपिक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चैनल आईडी, चैनल क्रिएटेड और चैनल की कैटेगरी क्या है आपकी, ये आपको ध्यान रखना है। चैनल कैटेगरी आप बना के रखिएगा। डू यू रिमेम्बर द वीडियो आईडी, लास्ट टाइम आपने कौन सी वीडियो अपलोड की थी उसकी अगर वीडियो आईडी है तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज नहीं पता है तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे उसका टाइटल देना पड़ेगा। जो भी आपने लास्ट में वीडियो अपलोड करते हैं ना, उसका टाइटल तो नॉर्मली सबको याद ही रहता है। मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी हाउ टू जनरेट फ्री ऑफ कॉस्ट सिविल स्कोर बाई सीएससी पोर्टल, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया था। डू यू नोटिस एनी न्यू वीडियो ऑन योर चैनल डेट यू डिड अपलोड योर सेल्फ, यहाँ पे नोटिस किया था मैंने। हाँ, आईडी वीडियो आईडी, तो वीडियो आईडी मेरे पास नहीं थी तो फिर मैंने यहाँ पे नो कर दिया था। नो करने के बाद यहाँ पे डिड यू नोटिस एनी चेंज योर चैनल, फिर मैंने कहा हाँ। डिस्क्राइब द चेंज योर नोटिस, तो मैंने यहाँ पे चेंज नोटिस में लिख दिया था कि चैनल लोगो चेंज, ऐसा कुछ हो रहा था उस दिन 14 तारीख को जब चैनल हैक हुआ था, तो बिटकॉइन से रिलेटेड कुछ बातें हो रही थी, वो पता नहीं क्या बातें कर रहे थे, शायद बिटकॉइन बेच रहे थे, वो चीज यूट्यूब को पता चल गया, तो यूट्यूब ने चैनल को टर्मिनेट कर दिया था। अगर टर्मिनेट हुआ था तो वो अलग बात है, टर्मिनेट होने से पहले आपने जो कुछ भी देखा है चैनल पे वो यहाँ पे लिख देना है। तो मेरे साथ 3-4 चीजें हुई थी, जैसे कि वीडियो डिलीट हो गई थी, लाइव स्ट्रीमिंग हुई थी, चैनल का लोगो चेंज हो गया था, चैनल का नेम चेंज हो गया था। ये जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको इंग्लिश में टाइप करनी है, आप डिस्क्रिप्शन में स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश में लिख दूंगा। देखिए, डू यू हैव रिकवरी ईमेल एड्रेस एंड फोन नंबर,
रिकवरी ईमेल और फोन नंबर तो मैंने ऑलरेडी उसमें लिंक किया था, लेकिन हैकर ने उसको रिमूव कर दिया था, तो फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया था बोथ। ठीक है, तो यहाँ पे प्लीज स्पेसिफाई द अकाउंट रिकवरी ईमेल, रिकवरी ईमेल आपको डालना है जो आपका चैनल का ईमेल एड्रेस है, उस ईमेल एड्रेस में जो रिकवरी ईमेल एड्रेस लिंक है वो यहाँ पे डालना है, क्योंकि ये वेरीफाई करते हैं कि ये बंदा सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। ठीक है, आपका भी इन्वेस्टिगेशन होता है, जो कुछ भी आप देते हैं वो सब कुछ वेरीफाई होता है, तब जाके आपका प्रोसेस होता है। अकाउंट रिकवरी फोन नंबर आपको यहाँ पे अपना डालना है, एंड चैनल करंटली एसोसिएट विद एनी ब्रांड, मेरा नहीं था, अगर आपका किसी ब्रांड से है तो यहाँ पे डिस्क्राइब करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे नो कर दिया। डिटेल अबाउट एडसेंस, यहाँ पे एडसेंस अकाउंट यहाँ पे आपको अपना याद रखना है, नहीं है तो लिख के आप रख लेना, मैंने लिख के रखा था तो मैंने यहाँ पे डाल दिया था एडसेंस अकाउंट। प्लीज प्रोवाइड द यूजर ईमेल ऑफ द एडसेंस अकाउंट, एडसेंस अकाउंट से कौन सा ईमेल लिंक है वो ईमेल यहाँ पे डालना है। फिर यहाँ पे इफ योर एडसेंस लिंक टू एनी मल्टीपल चैनल, तो मेरा नो था तो मैंने यहाँ पे नो कर दिया था, अगर आपका एक एडसेंस अकाउंट से दो तीन चैनल है तो यहाँ पे यस कर देंगे। अब यहाँ पे आपके लोकेशन का डिटेल लिया जाएगा। ठीक है, व्हाट डिवाइस डू यू यूजुअली यूज द लॉगिन इन आवर रन योर चैनल, चैनल को किस डिवाइस में यूज करते थे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे माय कंप्यूटर में जाएंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, इंस्पिरन 3584 जो भी आपका मॉडल होगा आप यहाँ पे दे देंगे। तो फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया था कि लैपटॉप डिवाइस एंड मोबाइल ओप्पो फोन, आपको यहाँ पे मॉडल भी पूरा एक्चुअल लिख के देना होगा, और यहाँ पे हैव यू साइन योर चैनल फ्रॉम एनी डिफरेंट डिवाइस इन लास्ट 6 मंथ, पिछले 6 महीनों के भीतर में आपने किसी दूसरे डिवाइस में अपने चैनल को लॉगिन किया था, मैंने नहीं किया था, मैं अपने चैनल को अपने डिवाइस के अलावा कहीं भी लॉगिन नहीं करता हूँ, यहाँ पे डाल देंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आईपी एड्रेस, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट आपका आईपी एड्रेस मिल जाता है, ये गूगल खुद ही आपका आईपी एड्रेस फाइंड कर लेता है, इसको डायरेक्टली आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है, बैक चले जाना है, बैक चलते हैं, यहाँ पे अपना आईपी एड्रेस डाल देना है, एंड यहाँ पे व्हाट इज योर साइन अप कंट्री रीजन, तो यहाँ पे इंडिया आप टाइप कर देंगे, एंड व्हाट इज द लोकेशन यू यूजुअली साइन इन रन द चैनल फ्रॉम, आप अपने चैनल को कहाँ से रन करते हैं। ठीक है, वो एड्रेस यहाँ पे आपको टाइप करना है। देन यहाँ पे आर यू करेंटली इन द सेम लोकेशन, उसी जगह पे है तो आप यहाँ पे यस कर देंगे। ठीक है, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कर देंगे। डिड यू एक्सेस और साइन इन टू योर चैनल फ्रॉम एनी डिफरेंट लोकेशन और डिवाइस इन लास्ट 6 मंथ, पिछले 6 महीने में आपने अपने चैनल को कहाँ कहाँ लॉग इन किया है ये बताना है, तो प्लीज एसिफाई द नेक्स्ट एग्जैक्ट लोकेशन, जहाँ पे आप गए थे उसका एड्रेस यहाँ पे लिखना है, मतलब आपने साइन इन कैसे किया था, आपने अपने लैपटॉप में किया था या किसी फ्रेंड के लैपटॉप में, पर्सनल कंप्यूटर यहाँ पे मैंने लिख दिया था। व्हाट अदर डिवाइस डिड यू यूज और साइन इन, तो यहाँ पे नो लिख दिया, अदर डिवाइस का मैंने यूज नहीं किया था। एंड यहाँ पे टेल अस ए बिट अबाउट द हाईजैकिंग इंसिडेंट, व्हेन डिड यू थिंक यू वेयर हैक, आपको कब लगा कि आपका चैनल हैक हो चुका है, तो जैसे आपको जब लगा होगा आप यहाँ पे वो डेट डालना, मेरा 14 तारीख था तो मैंने 14 अगस्त 2021 यहाँ पे टाइप कर दिया था। ईमेल आईडी और ईमेल आईडी का पासवर्ड किसी को शेयर किया था तो यहाँ पे नो कर दिया था। आर यू यूजिंग एनी वीपीएन ब्राउजर, हाँ वीपीएन ब्राउजर मैं यूज करता हूँ, यहाँ पे आप यस कर देना, जहाँ पे भी आप रहते हैं वो सेम लोकेशन। डिड यू गेट एनी ईमेल और क्लिक द लिंक फॉर चैनल स्पॉन्सर और एडवर्टाइजिंग रिक्वेस्ट, गाइज यही हुआ था मेरे साथ, एडवर्टाइजिंग के लिए मेरे पास रिक्वेस्ट आती थी कि आप हमारे लिए एडवर्टाइजिंग कर दीजिए, यही हुआ था, तो फिर मैंने यहाँ पे लिखा यस। प्लीज प्रोवाइड द सेंडर ईमेल आईडी, तो सेंडर ईमेल आईडी मुझे ध्यान नहीं था, आप इसे छोड़ भी सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। फिर यहाँ पे डिड यू रिसेंटली डाउनलोड एनी सॉफ्टवेयर प्रोवाइडेड ब्रांड और पोटेंशियल स्पॉन्सर, यस मुझसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवाया गया था, वो एक्चुअली झूठ बोला गया था, मुझसे वीडियो बताया गया था कि ये वीडियो है हमारे ब्रांड का, आप इसे देख लीजिए डाउनलोड करके, और जब मैंने उसे डाउनलोड किया तो गाइस वो वीडियो नहीं थी, वो रन भी नहीं हो रही थी, वो सॉफ्टवेयर था, वो बाद में मैंने उसको चेक किया जब प्रॉपर्टी में देखा तो वो .ecs कुछ फाइल थी जो मेरे लैपटॉप में रन कर रही थी, यहाँ से मेरे सिस्टम के सारे डिटेल हैकर को दे रही थी, जो कि काफी ज्यादा बुरा है। कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है तो पता भी चलता है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो गया, ना तो डेस्कटॉप पे शो कर रहा था कहीं पे, और कंट्रोल पैनल में भी कहीं भी शो नहीं कर रहा था कि ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो सॉफ्टवेयर अंदर अंदर वो सर्कुलेट होता रहता है, वो चलता रहता है, जो कि हम यूट्यूबर्स के लिए काफी खतरनाक साबित हो रही है, तो इन सब चीजों से आपको बच के रहना है। तो यहाँ पे व्हाट इज द सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया था इथेरियम बिटकॉइंस करके ऐसा कुछ था जो भी था, एंड शेयर सम इन्फॉर्मेशन अबाउट, सम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दे देना है कि आपके साथ क्या हुआ था, तो मेरे साथ क्या हुआ था मैंने ईमेल में यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है, मैंने चैनल जब हैक हुआ तो मेरे चैनल पे जो भी एक्टिविटी हो रही थी मैंने 2-3 फोटो खींच लिया था, तो मैंने ये फोटो खींच लिया था, ये लोगो वगैरह सब चेंज हो गया था लेकिन मैंने इसका फोटो खींचा था, तो डिस्क्रिप्शन ये जो आप डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं ये सब चीज़ें सेम थी, तो मैंने ये यहाँ पे फोटो इसका लिया था, तो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दिया था।
कंसेंट को एग्रीड करना है, देन यहाँ पे सबमिट कर देना है। ये बिल्कुल लेटेस्ट नया प्रोसेस है और नया हाईजेक फॉर्म है जो यूट्यूब की तरफ से आपके रिकवरी ईमेल पे भेजा जाएगा। जब आप ट्विटर से यूट्यूब से कॉन्टेक्ट करेंगे तो आपको यही ईमेल मिलेगा, ठीक है। जब यूट्यूब सपोर्ट की तरफ से गूगल को आपकी फाइल रेफर की जाएगी तो गूगल आपसे बहुत सारी चीजें पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब लास्ट में है, आपने देखा यहाँ पे सम इन्फॉर्मेशन जब इन्होंने मांगा कि क्या क्या आपके साथ हुआ था, तब जाके ये मेरे पास रिसेट का आया उधर से मेल और मैंने फिर अपने ईमेल आईडी को रिकवर किया। ईमेल आईडी रिकवर होने के बाद आपको तुरंत मेल करना है यूट्यूब सपोर्ट को। यहाँ पे मैंने तुरंत इनको मैसेज किया कि माय जीमेल एड्रेस इज नाउ रिकवर्ड, सो प्लीज प्रोसीड नाउ एंड रिकॉर्ड माय यूट्यूब चैनल। फिर कुछ और डिटेल लिया उन्होंने, फिर मैंने दे दिया तुरंत। और जीमेल आईडी रिकवर होने के बाद यूट्यूब ने फिर उसके 24 घंटे बाद मेरा यूट्यूब चैनल रिकवर हो गया। हम क्रिएटर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है क्योंकि हम जॉब कर रहे हैं, ठीक है, हम यूट्यूब के एम्प्लॉई हैं, तो यूट्यूब हम पे बहुत ज्यादा ध्यान रखता है। वो कभी नहीं चाहता कि हमारा क्रिएटर खाली बैठे उसके साथ गलत हो। तो गाइज आप देख सकते हैं मेरा चैनल मात्र 4 दिन में 5वें दिन पूरी कम्प्लीटली तरीके से मेरे पास आ चुका था। तो गाइज मैं एजुकेशनल वीडियो बनाता हूँ, अगर आपको हमारा वर्क अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस तरीके से आप अपना हाईजेक फॉर्म भर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को रिकवर करने के लिए अपना रिक्वेस्ट दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।